गए हैं, अब भैया उनको कॉफ़ी वगैरह पिलाता हूँ नीचे। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे ताल पे नीचे। तो भैया मैंने ले लिया है ब्रेड का पैकेट और अब बतख आएंगे हमारे पीछे पीछे और मछलियाँ भी आएंगी, तो थोड़ी व्यू सही आ जाएगा और कुछ नहीं। पहले ब्रेड खवाएंगे फिर ईद गया। अगर तू हाथ से देखो उसे तो ये है नैनीताल का बीच सेंटर। अभी हम बीच सेंटर में नैनीताल के, मतलब बड़ा राउंड 210 का है और छोटा राउंड है 160 का। बड़ा राउंड करने में ही फ़ायदा है, छोटा राउंड तो फिर हाफ में ही, हाफ से भी हाफ में करते हैं, बाकी बड़े राउंड में भी पूरा नहीं ले जाते, हाफ जो है नैनीताल का हाफ पार्ट है उसमें घुमा के भी आते हैं। बाकी गर्मियों का ऐसा मौसम लग रहा है भैया, है भैया गर्मियों का ऐसा मौसम लग रहा है ना, लेकिन नहीं सुबह के टाइम पे थे यार भैया, कुल्फी से जम गई थी हमारी। ये है यहाँ की ठंडी रोड, ठंडी रोड है भैया, गर्मियों में भी ठंडी रहे कतई, अभी तो है ही है, गर्मियों में भी ठंडी रहे। ये पूरी यहाँ की ठंडी रोड है, वहाँ पे नैना देवी का मंदिर है, उधर हॉल वगैरह है अपना, वो कैफ़े वगैरह अभी खुला नहीं था तो हमने वहाँ पे चाय वगैरह पी थी, अब यहाँ पे कैफे में जाएंगे, कैफे में पियेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब हो गया उतरने का टाइम, हम आ गए हैं नैनीताल के ग्राउंड में, गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी है उस साइड में, चलते हैं यार यहाँ पे। कैसा रहा भैया आपका टूर यहाँ का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास। अब हमें पता नहीं था ना यहाँ पे कि मतलब इतना अच्छा व्यू मिल जाएगा या बर्फ़ वगैरह इतनी अच्छी मिलेगी, क्योंकि सब कह रहे थे पिघल गई है इस साइड में, इस साइड में तो पिघली हुई है, लेकिन जब हम आगे आगे गए तो बहुत अच्छी मिली। बाकी बोटिंग वगैरह भी कर दी यहाँ पे, और अब करते हैं नैनीताल को बाय बाय।
तो अब भाई हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। इस हिसाब से सोचा नहीं था कि ऐसा भी ट्रिप बनेगा मेरा कि बर्फ़ वगैरह भी देखने को मिलेगी और घूम भी लेंगे इतने अच्छी तरह। मैंने सोचा था आएंगे और अपना चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, घूमे फिरे, अच्छा लगा। बाकी आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि कितनी अच्छी अच्छी जगह हम घूमे और कितना मज़ा आया हमें टोटल घूमने में। टोटल बात जहर जहर मज़ा आ गया भाई। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राम राम।